चलो देखते हैं अर्बन टेरेन यूटी 1000 तो एक साल के बाद ये साइकिल कैसा परफॉर्मेंस देता है। और इधर पे ये थर्ड गियर पे चढ़ ही नहीं रहा है ये, तो फ्रंट डिरेलर में इसका काफी ज्यादा इश्यूज है। सस्पेंशन जो है वो काफी ज्यादा अभी हार्ड हो चुका है। सो हे गाइस, दिस इज द गरीब साइकिलिस्ट। तो आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे ये वाला साइकिल की, जो कि है अर्बन टेरेन यूटी 1000। तो ये वाला साइकिल का जो वीडियो मैंने एक साल पहले अपने चैनल में डाला था और आप लोगों ने काफी सारा सपोर्ट उस वीडियो में दिखाया था। तो एक साल बाद ये जो साइकिल का कंडीशन क्या है, ये साइकिल का परफॉर्मेंस क्या है, इस बारे में हम पूरा बात करेंगे। और आपको एक चीज बता दूं, तो इसका जो मेंटेनेंस है वो हमने ऑलमोस्ट जीरो रखा। सिर्फ हमने साइकिल का चेन को लूप किया और इसके अलावा हमने साइकिल को कोई भी तरह किसी भी तरह मेजर कोई मेंटेनेंस नहीं किया। और ये जो साइकिल है, ये साइकिल रेगुलर यूज होता है और काफी टाइम ऐसा होता है कि ये काफी ज्यादा रफ यूज होता है। तो चलो देखते हैं अर्बन टेरेन यूटी 1000 तो एक साल के बाद ये साइकिल कैसा परफॉर्मेंस देता है अभी तक। इस साइकिल के बारे में थोड़ा सा स्पेसिफिकेशन की जानकारी आपको होना चाहिए। इस साइकिल में डबल मैकेनिकल डिस्क ब्रेक है और ये गियर साइकिल है, ये 21 स्पीड गियर साइकिल है कि शिमानो की गियर है। व्हील की बात अगर हम करें तो ये 27.5 इंच का व्हील आता है जो कि काफी रिलेटेबल है इस टाइम पे। इसका जो फ्रेम है ये माइल्ड स्टील से बना हुआ है, सो इसीलिए ये साइकिल काफी लाइट है। अगर इस साइकिल की फुल रिव्यू वीडियो आप लोग देखना चाहते हो तो मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक डाल दूंगा, तो वहां से आप लोग इस साइकिल का जो पूरा वीडियो है, पूरा रिव्यू, कंप्लीट रिव्यू वीडियो आप देख सकते हैं। तो इस साइकिल का पार्ट बाय पार्ट हम रिव्यू करेंगे कैसा है एक साल के बाद। तो चलो देखते हैं एक साल के बाद ये साइकिल का परफॉर्मेंस कैसा है। तो सबसे पहले हम बात करेंगे गियर सिस्टम की। तो ये वाला साइकिल का जो गियर है वो हमने अभी तक कोई भी तरह ट्यून नहीं किया है। तो चलो देखते हैं कि इसका अभी गियर शिफ्टिंग कैसा है। तो अभी हम चेक करेंगे साइकिल का रियर डिरेलर का परफॉर्मेंस अभी तक कैसा है। तो चलो देखते हैं। तो ये वाला अभी तक, तो ये वाला गियर शिफ्ट हमने कर लिया एक पे, अभी चलो इसको डाउन शिफ्ट करेंगे और देखेंगे। तो डाउन शिफ्टिंग में थोड़ा सा इसको इश्यू आया है और डाउन शिफ्टिंग में, और बहुत ही नॉमिनल इशू, ये कोई ज़्यादा बड़ा इशू नहीं है। तो मेरे हिसाब से ये वाला इशू ठीक है एक साल बाद। तो हमने बैक डिरेलर को चेक किया, तो ये वाला डिरेलर का जो परफॉर्मेंस है वो काफ़ी ज़्यादा अच्छा था। एक साल बाद इसका ये जो परफॉर्मेंस है वो काफ़ी ज़्यादा अच्छा है। बैक डिरेलर तो हमने चेक कर लिया, अभी हम फ्रंट डिरेलर को चेक करते हैं। अभी हमारा जो गियर है वो फर्स्ट गियर पे है, तो इसको चलो देखते हैं। तो इसे अभी हम शिफ्ट करते हैं, तो इस फ्रंट गियर में थोड़ा इश्यूज आ रहा है और इधर पे ये थर्ड गियर पे चढ़ ही नहीं रहा है ये, तो फ्रंट डिरेलर में इसका काफ़ी ज़्यादा इश्यूज है। तो क्योंकि ये वाला जो साइकिल है ये बिल्कुल ही ज़ीरो मेंटेनेंस में था, सो इसके लिए इसका जो थोड़ा सा जो गियर प्रॉब्लम है वो इसमें आ गया। तो इस साइकिल की कंफर्ट की बात अगर हम करें तो इस साइकिल का कंफर्ट लेवल पहले जैसा ही है, बिल्कुल स्मूथ है। हालांकि हमने किसी भी तरह सर्विसिंग इस साइकिल में नहीं किया, कोई भी हब को सर्विसिंग नहीं किया, कोई भी बॉल बियरिंग को सर्विसिंग नहीं किया, इनफैक्ट कोई भी पार्ट्स हमने इसको इसमें चेंज नहीं किया। तो इस साइकिल का परफॉर्मेंस, और जैसे कि मैंने कहा कि ये साइकिल काफ़ी ज़्यादा रफ यूज़ होता है, तो इसके बाद भी ये इस साइकिल का परफॉर्मेंस अभी तक ठीक ठाक है। तो इस साइकिल की ब्रेकिंग की बात अगर हम करें तो इसमें आता है डुअल मैकेनिकल डिस्क ब्रेक। तो इस वाले डिस्क ब्रेक को हमने थोड़ा सा टाइट किया है, तो इस टाइम के साथ साथ ये ब्रेक थोड़ा लूज हो जाता है। तो चलो देखते हैं इसका जो ब्रेक का परफॉर्मेंस है वो कैसा है। तो आप देख ही सकते हैं इसका जो ब्रेकिंग पावर है वो काफ़ी ज़्यादा अच्छा है, अभी तक ब्रेकिंग पावर में कोई भी इश्यूज नहीं आया। तो ये वाला जो साइकिल है वो अभी तक काफ़ी ज़्यादा ठीक ठाक है। तो जैसे कि मैंने कहा, ये वाला साइकिल ज़ीरो मेंटेनेंस पे अभी है। तो ज़ीरो मेंटेनेंस में ये वाला साइकिल मुझे काफ़ी ज़्यादा इंप्रेस किया, लेकिन सिर्फ एक चीज़ को छोड़ के, वो है इसका जो सस्पेंशन है। वो इसका सस्पेंशन जो है वो काफ़ी ज़्यादा अभी हार्ड हो चुका है। आप देख ही सकते हैं कि ये वाला सस्पेंशन काफ़ी ज़्यादा हार्ड हो चुका है, ये ज़्यादा रेस्पॉन्स नहीं करता। तो मुझे जो प्रॉब्लम लगा, मुझे जो दिक्कत लगा वो सिर्फ यही इसका है, इसका जो सस्पेंशन है वो ज़्यादा हार्ड हो गया है। हालाँकि ये सस्पेंशन जो है इसे हम ठीक कर सकते हैं, इसे थोड़ा मेंटेनेंस अगर करेंगे तो ये वाला सस्पेंशन जो है वो ठीक हो जाएगा। लेकिन
मैंने जैसा कि मैंने कहा ये जीरो मेंटेनेंस में है, तो इसीलिए इसका जो सस्पेंशन है आप देख ही सकते हैं कि इसका सस्पेंशन ये काम ही नहीं कर रहा है। जितना भी प्रेशर हम डाले तो इसमें थोड़ा सा भी ये काम नहीं कर रहा है, ये थोड़ा सा दब गया अभी प्रेशर की वजह से। तो ये वाला साइकिल का एक ही मुझे दिक्कत लगा, वो भी जीरो मेंटेनेंस पे। आपको ये बात ध्यान में रखना है कि ये साइकिल मैंने जीरो मेंटेनेंस पे रखा, कोई भी मेंटेनेंस हमने नहीं किया। जीरो मेंटेनेंस के बाद भी इसका जो परफॉर्मेंस है वो कुछ ऐसा ही था। तो ये वाला वीडियो आपको कैसा लगा कमेंट करके जरूर बताना। चैनल में नए हो तो सब्सक्राइब जरूर कर देना, और अगर साइकिल रिलेटेड आपको कोई भी क्वेरीज हो, कोई भी क्वेश्चन हो, आप मुझे इंस्टाग्राम में DM कर सकते हैं। तो फिर मिलते हैं एक नए वीडियो के साथ, तब तक के लिए टेक केयर।